नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक और शानदार मुकाबला जो खेला जाएगा टस्कर्स वर्सेस नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन के बीच में। इसको लेकर हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। अब दोस्तों देखिए, मैच टाइमिंग, मैच खेला जाएगा दोपहर के 1 बजे और ये इंडिया मैच से जस्ट पहले होगा, मतलब आपको रहने होंगे तैयार इस शानदार। ध्यान रखिएगा, इस मैच को आपको कतई कम नहीं आंकना। इस टूर्नामेंट के हमने 2 मैच कवर किए, दोनों के दोनों अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप रहे। डोमेस्टिक में हमारी टीम का कोई तोड़ नहीं है, वर्ल्ड कप में वैसे हमारी कोई जोर नहीं है। उम्मीद करेंगे ये भी मैच हमारा क्लीन स्वीप जाए। आपका टॉस प्लेइंग 11 आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद आपको तो फाइनल टीम चाहिए ना। फाइनल टीम आपको कहां पे मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सीधा सेलेक्ट कर दीजिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको जो है सबसे पहले कमेंट में दिख जाएगा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक, तो यहां भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि क्या बेनिफिट होगा। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान हम अपना जिक्र करते हैं यहां पे, फिर हम कुबेरा का डियो क्विंटो पिक्स, एक्सचेंज 22 का बाइसल मल्टीवेगर पिक्स मैं यहां पे आने वाले टाइम में शेयर करने वाला हूं। तो व्हाट्सएप चैनल पे सभी भाई को फॉलो करके रख लेनी है। और इसके बाद अगर आप लोगों में कोई भाई ऐसे हैं जो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई 10 सेकंड की वक्त निकालो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। एकमात्र ऐसा चैनल दिखेगा जहां पे इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, वुमेन्स, मेंस सारे मैच आपको कवर होते दिखेंगे। और भाई हम बात करते हैं इस वीडियो में किन किन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पिच रिपोर्ट, विकेट टेकिंग, लास्ट 5 ODI मैच, एवरेज स्कोरिंग लास्ट 5 ODI मैच, लास्ट सब मैच के बैटल देखेंगे जब दोनों टीम आमने सामने आई है तो क्या हुआ है, पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर हम बात करेंगे, फिर हम देखेंगे स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स, 3 मार्की बैट्समैन, 3 मार्की बॉलर, लास्ट मैच स्कोरबोर्ड ऑफ बोथ टीम, 5 कैप्टन विसी को लेकर हम जिक्र करेंगे, जो आपको ना सिर्फ स्मॉल लीग ग्रैंड लीग भी जितवाने के लिए कह सकते हो कि ग्रैंड लीग जितवा के आपको दे देंगे। फैंटेसी टीम सबसे लास्ट में हम देखेंगे, जहां पे हम देखेंगे जीएल, मिनी जीएल में आपको क्या क्या पैंतरा अपनाना है। भाई हम वेन्यू को लेकर बात करते हैं, सिटी ओवल साउथ अफ्रीका मुकाबला होगा, जहां पे आपको दिखेंगे बैलेंस विकेट, पेसर्स के पास अच्छे एज होते हैं। विनिंग परसेंटेज को लेकर बात कर लेंगे, नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन 71%, टस्कर्स का यहाँ पे चांसेस है 29%। अगर हम बात कर लेंगे वेदर रिपोर्ट को लेके, ओवरकास्ट क्लाउड्स बताया जा रहा है। भाई हम बात करते हैं विकेट टेकिंग लास्ट 5 ODI मैच, तो टोटल विकेट गिरे हैं 67, जहां पे पेसर्स को मिले 40 विकेट, स्पिनर्स को मिले 27 विकेट। एवरेज स्कोर इन लास्ट 5 ODI मैच ऑन दिस वेन्यू, एवरेज टोटल स्कोर है यहां पे 205 का। एक ही वनडे लास्ट के 5 साल में दोनों टीम आमने सामने खेली हैं, जो टस्कर्स की टीम विन की है। लास्ट 5 ODI मैच रियल से अगर बात करेंगे दोनों टीम का, टस्कर्स विन विन लॉस विन लॉस करके आ रही है, नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन विन लॉस 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 विन करके आ रही है। अब आइए हम बात करते हैं दोनों टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो आपको दिख जाएंगे टस्कर्स की तरफ से रपुलना, उसके अलावा डी डिगार्ड, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे क्विक मेवर, एरलनक, पैट्रस वन विलोजन, एम नोफल, केनीपर, एम मेलेतवाया के डरग्योन, देन आपको दिख जाएंगे टी एंटीनी और एम बुदाजा। गेंदबाजी को लेकर बात कर लेंगे, बुदाजा 10 ओवर डालते दिखेंगे, टर्जियोन आपको दिख जाएंगे 7 से लेकर 9 ओवर डालते हुए, उसके अलावा नोफोल आपको दिखेंगे 8 से 10 ओवर डालते हुए, अडलेनक दिख जाएंगे आपको 7 से 8 ओवर डालते हुए, एंटीनी का दिन अच्छा रहा तो ये भी आपको 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट डालते नजर आ जाएंगे, बाकी किसी का दिन बुरा रहा तो ये दोनों कुछ कुछ ओवर शेयर कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन को लेकर, नगोपे के साथ दिख जाएंगे आपको यहाँ पे सुन कुमार ने, एमी प्रिंस भाई साहब लास्ट मैच में जैसा नाम प्रिंस वैसा काम, 166 रन करके आ रहे हैं, वो भी मात्र 140 गेंदों में। उसके बाद आपको दिख जाएंगे लब्बे, उसके अलावा एस मुत्तुस्वामी, आर डी स्वाट, अब इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होगा। वो डीआई में अगर देखोगे फर्स्ट क्लास में 46 का एवरेज मेंटेन किया हुआ है। आरडी हरमन दिख जाएंगे आपको, उसके बाद डेन जेंसन दिख जाएंगे, मिगुल पिटोरियस, देन आफ्टर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे सिलिका और के मंगरू। गेंदबाजी को लेकर बात कर लेंगे, इनका क्वाइट क्लियर है 10 ओवर, यहाँ पे ड्वेन जेंसन पिटोरियस 10 ओवर, सिलिका 4 से लेकर 6 ओवर, मंगरू 8 से लेकर 10 ओवर, उसके अलावा आरडी स्वाट 2 से लेकर 5 ओवर के बीच में, मुत्तुस्वामी 10 ओवर, लब्बे 1 से लेकर 2 ओवर, कभी कभी दिन इनका अच्छा रहा तो 4-5 भी डाल सकते हैं। और ये हम बात करते हैं दोनों टीम के लास्ट मैच को लेके, तो यहाँ पे टस्कर्स लास्ट मुकाबला में 241 रन की थी, यहाँ पर रपुलना 16 किए थे, रिडगार्ड 5, क्विक मोर किए थे 53 रन, एडलेनक 16 रन, पेटर्स 1, विलोजन 2, नोफल 70, निपर 46, एल नीले मेलेतवाया किए थे 0 रन, डडगियोन 18 रन। अब अगर बात करेंगे गेंदबाजी में तो इनके सामने गेंदबाजी में ये टीम नहीं थी, दूसरी टीम थी। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी उस मैच में गेंदबाजी कैसा रहा था, बुधवार 10 ओवर 51 रन 4 विकेट, डडगियोन 9 ओवर 90 रन 1 विकेट, एंटीनी 4 में 41, निपर 3 में 27,
मेल तवाया 8 में 66 रन 0 विकेट, नोफल 7 में 51 रन 2 विकेट, एडलेनक 8 में 51 रन 1 विकेट। अब अगर हम बात कर लेंगे नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन को लेकर, तो लास्ट मुकाबला देखिए कितना बेहतरीन बल्लेबाजी करके ये टीम आ रही है। वन साइड जीते थे नगोपे 0, उसके बाद सैनिक कुमार ने 31 और यहाँ पे प्रिंस 166 रन 140 बॉल में, लब्बे 2, एस मुथुस्वामी 44, आर डी 32 रन। अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। आर हरमन 18, ड्यूएन जॉनसन 1, मिगुल पिटोरियस 11 रन। गेंदबाजी में मुंगरू 9 ओवर 68 रन 1 विकेट, उसके बाद ड्यूएन जॉनसन 10 ओवर 67 रन 1 विकेट, पिटोरियस 10 में 71 रन 2 विकेट, मुथुस्वामी 10 ओवर 50 रन 0 विकेट, सेलिका 7 में 39 रन 0 विकेट, आर डी स्वाट को लेकर बात कर लेंगे 4 ओवर 28 रन 0 विकेट। अब भाई हम बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स को लेकर बात कर लेंगे। ड्यूएन जॉनसन, मिगुल पिटोरियस दिखेंगे स्टार्टिंग ओवर डालते हुए, टेस्ट के हिसाब से दिख जाएंगे बुदाजा और डडगियोन। डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे तो आपको दिख जाएंगे ड्यूएन जॉनसन, मिगुल पिटोरियस और यहाँ पे मंगरू भी दिख जाएंगे, और डेथ में दिख जाएंगे आपको टस्कर्स की तरफ से बुदाजा और टी एंटीनी। अब भाई हम बात करते हैं थ्री मार्की बैट्समैन, थ्री मार्की बॉलर को लेकर, तो आपकी टीम में लब्बी होने चाहिए पैटरसन विलोजन, काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, भले ही इनका अभी तक ये टूर्नामेंट अच्छा ना रहा हो, और एल सैनिक वाने आप कंसीडर कर सकते हो। गेंदबाजी में बात कर लेंगे थ्री मार्की बॉलर पिटोरियस, ड्यूएन जॉनसन और एस मुथुस्वामी आपकी टीम में होना ही चाहिए। अब भाई हम बात करते हैं आपके पास 5 कैप्टन वीसी के अच्छे मटेरियल कौन रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको नाम दिख जाएंगे यहाँ पे मुथुस्वामी का, क्योंकि ये आपको दिखेंगे नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हुए प्लस 10 ओवर की गेंदबाजी देंगे। उसके बाद आपको दिख जाएंगे मिगुल पिटोरियस, 10 ओवर गेंदबाजी नहीं, विकेट टेकर गेंदबाज हैं ये, इनसे आप अच्छे खासे विकेट का उम्मीद कर सकते हो, प्लस ये बल्लेबाजी से भी कुछ रन दे सकते हैं। डब्लू लब्बे या तो ये कुछ नहीं करेंगे, या फिर दोस्तों अगर इनका दिन अच्छा हुआ तो ये आपको बॉलिंग से भी एक आध विकेट दे देंगे, प्लस बल्लेबाजी में आप इनसे ठीक ठाक उम्मीद कर सकते हो। आर डी स्वाट, इनके साथ भी यही लोचा है, या तो 25-30 पॉइंट या फिर दोस्तों आपको दे देंगे 125 से लेके 130 पॉइंट, 2-3 विकेट भी लेकर चले जाएंगे, और पहले बल्लेबाजी ये टीम करती है फिर तो वैसे आपके लिए अच्छे पिक बन जाएंगे। देन आफ्टर एम नोफल, ये अपनी टीम की तरफ से टस्कर्स की तरफ से आपको 7 से 8 ओवर की गेंदबाजी देंगे, प्लस बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते नजर आ जाएंगे। भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, तो विकेट के पीछे के लिए मैंने अभी के लिए एम प्रिंस को जगह दिया हुआ है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्विक मेयर, पेट्रसन विलोजन, के रपुलना को अपने टीम में जगह दिया हुआ है। देन आफ्टर हम बात करेंगे ऑलराउंडर से, मैंने मुथुस्वामी, एम नोफल, डब्लू लवे, रोहन डी को भी के लिए अपने टीम में जगह दिए हुए हैं, फिर मैंने पिटोरियस, ड्यूएन जॉनसन, के मुंगरू को लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक बदलाव कर सकता हूँ, वो क्या है, रपुलना के जगह पे मैं किसी और को नगोपे या फिर मैं सामने वाले किसी को ले लूंगा, और उस कंडीशन में मैं मुंगरू के जगह पे अपने टीम में ट्राई कर सकता हूँ, मुंगरू या फिर डुआंडी के जगह पे मैं लेके जा सकता हूँ अपने टीम में एम बदुजा को। वो मुझे लगता है कि टी बदुजा, जो भी बदुजा है वैसा, वो अच्छे विकेट है गेंदबाज, लगातार 4-4 विकेट लेके आ रहे हैं, बदुजा, उसको हम लोग बैक करके चल सकते हैं। अभी के लिए मैंने कैप्टनसी का भार सौंपा है मुथुस्वामी को, वीसी मैंने दिए हैं यहाँ पे मिगुल पिटोरियस को, तो उसके बाद मैं कैप्टन वीसी में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर करूंगा। अभी के लिए मेरा फाइनल टीम है सभी एप्लीकेशन पे, जिस भी ऐप पे खेलना चाहो आप इस टीम के साथ खेल सकते हो। हाँ, अगर उस एप्लीकेशन पे खेल रहे हो जहाँ पे आप एक बल्लेबाज के साथ जा सकते हो, वहां पे आप किसी एक बल्लेबाज को लेके जाना, मैं रिकमेंड करूंगा विलोजन, आप चाहो तो ककम्यूर के साथ भी जा सकते हो, और इन दोनों के जगह पे ड्रॉप करके आप यहाँ पे एडलेनक को ले लेना, यहाँ पे बुदाजा को ले लेना, और ग्रैंड लीग में चाहो तो एंटीनी को भी ट्राई कर सकते हो। मेरा ये फिलहाल फाइनल टीम है, बाकी टॉस के बाद देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और समझदारी से मिनी जीएल, जीएल इन सब मैचेज में जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।